नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है द वन पोज योग। तो दोस्तों, आज हम जो है, आज दिन चौथा है, इसमें जो है अभी जो हमारी सीरीज चल रही है 30 दिन योग चैलेंज में आज का चौथा दिन है योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। जो टेंशन है, तन तनाव है, उसे कम करने के लिए जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें ही हम 5-10 मिनट निकाल के कुछ आसनास है आज जो हम देखने वाले हैं, या आसनास करके जो है आप खुद का स्ट्रेस जो है कम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो भी आसनास रहेंगे वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए रहेंगे। अगर मानो आप ऑफिस में काम करते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, या फिर खुद का बिजनेस है, या फिर आप स्टूडेंट हो, इन सबके लिए ये जो है ये आसना जो है फ़ायदेमंद रहेंगे। इससे होगा क्या कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका तनाव जो है कम हो जाएगा, आप दिन भर फ्रेश फील करोगे, और रात में भी अगर शाम को भी ये आसन करते हो तो नींद अच्छी आएगी इन आसनों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा के रख दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है हर वीडियो में लेते हैं रिलैक्सिंग पोज, सेंटरिंग जिसे हम कहते हैं। तो हमें करना क्या है, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में आना है। ये इसीलिए करते हैं ताकि अगर मानो आप वीडियो को देख रहे हो और आप खुद मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप रिलैक्स फील करोगे, एंड देन उसके बाद में जो है आप मेन आसनास करोगे। तो इससे होता ये है कि आप बाहरी दुनिया से डिटैच होके जो है योग मैट से जो है आप अटैच हो जाते हो, और आप बाहर का ज़्यादा सोचते नहीं हो, जो है अभी का सोचते हो। तो इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस हमेशा कराता हूँ, आप ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में आना है। अर्ध पद्मासन में आने के बाद आपको जो है एक तो हथेलियाँ इस तरीके से रखिए, या फिर चीन मुद्रा में। अब धीरे से सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। जब भी आप सांस छोड़ोगे, आप धीरे धीरे से जो है रिलैक्स फील करोगे, स्ट्रेस जो है कम होता जाएगा आपका। तो धीरे से सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। तीन से चार बार आपको और करना है। ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, बाहरी आवाज को इग्नोर करते हुए ब्रीदिंग पे। धीरे से आंखें खोलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आसन देखने वाले हैं, उत्तान आसन। ये पूरे आसना जो है आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए रहेंगे, आपका जो भी दिन भर का तन तनाव है वो कम करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। एक तो आप पैरों को साथ में भी रख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास जो कि है पैरों में डिस्टेंस रखना, जो है पैरों में डिस्टेंस रखना है। लेकिन कितना, शोल्डर जितना, जितने शोल्डर आपके वाइड है उतना ही आपको डिस्टेंस पैरों में रखना होगा। यहाँ आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर्स पीछे रहेंगे, कोर को थोड़ा सा एंगेज कीजिए, ग्लूट्स को टाइट कीजिए। बैक इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है ग्लूट्स को टाइट करना है इस तरीके से, देन कोर पे ध्यान देना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है। अब यहाँ पे जो है आपको पैरों के डिस्टेंस को एक बार देख लीजिए, चेस्ट को लिफ्ट कीजिए, सांस भरिए। जब आप सांस छोड़ते जाओगे तब आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है, ये ठीक है, ये, एंड देन धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए, पैरों को, हाथों को जो है पैरों के ऊपर से नीचे 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 इस तरीके से। और यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, अगर मानो आप और नीचे जा सकते हो तो और नीचे जाइए, और हाथों को नीचे रखिए, और नीचे जा सकते हो तो और नीचे जाइए, धीरे से वापस आइए एंड रिलैक्स कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए कि बहुत बार होती है, मैं देखता हूँ मेरे क्लास में भी हमेशा एक गलती होती है, जो गलती होती है अपर बैक से नीचे जाना। अब अपर बैक से नीचे कैसे जाते हैं लोग, आपको भी अगर मानो आप भी जाते होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा, तो आप क्या करते होंगे, जैसे हम सांस लेते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे पोजिशन जो है ट्रेनर हो या इंस्ट्रक्टर हो बता देता है आपको,
लेकिन जब यहाँ से आगे आपको जाना होता है तो आपकी लोअर बैक जो है स्टिफ रहती है। अब यहाँ से आप देखते हैं कैसे जाओगे, आप हिप्स को तो आप पीछे नहीं लेते हो इस तरीके से, आप डायरेक्ट इस तरीके से जाते हो ये। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा अपर बैक जो है कितना स्टिफ, मतलब कितना स्ट्रेच हो रहा है, और मेरे यहाँ पे मिड बैक पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और मुझे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे यहाँ पे, और ये एक्चुअली सही भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेग्स पे ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से लेग्स रहते हैं, आप देख सकते हो बो की तरह लेग्स नहीं रखना है, बो की तरह लेग्स रखोगे तो नी में प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी होगी जब भी आप ये वाला आसन करोगे या फिर कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग, स्टैंडिंग वाला फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, तो आपको लेग्स को इस तरीके से बो की तरह नहीं रखना है। हल्का सा होल्ड कीजिए, ये नी को लॉक रखिए, चेस्ट को लिफ्ट करके रखिए, ग्लूट्स को एंगेज करके रखिए, देन यहाँ से सांस भरते हुए चेस्ट को आगे लीजिए, हिप्स को पीछे, एंड देन हैमस्ट्रिंग पे देखिए ये। अगर मानो आप ज़्यादा नीचे जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रहिए आप, चलेगा। लेकिन ज़्यादा नीचे जाने के चक्कर में आपको आपके जो अलाइनमेंट है वो ख़राब नहीं करना है। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ पे रहिए और होल्ड कीजिए ब्रीदिंग, धीरे से वापस रिलीज एंड रिलैक्स। अगर मानो नीज का प्रॉब्लम है आपको या फिर लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, लोअर बैक पेन है, तो आपको हमेशा जो है हल्का सा नीज को बेंड रखिए और यहाँ पे ये, ताकि आपके नी पे भी नहीं आएगा और लोअर बैक पे भी नहीं आएगा, और नीचे देख सकते हो नेक पेन है तो नीचे ही देखना, आगे नहीं देखना, इस तरीके से नीचे देखना, से वापस रिलीज एंड रिलैक्स। तो ये इस तरीके से आसन हुआ उत्तानासन। तो आपको हमेशा चेस्ट को आगे रखना है और हमारे लोअर बैक से लेके आपके हील तक स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप देख लीजिए, अगर आप आगे हो तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती है, बाकी प्रॉब्लम्स हम योग में ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो योग में प्रॉब्लम होगी वो कहीं पे भी ठीक नहीं होगी। ध्यान रखिए, आपको जो भी आसनास करने हैं बहुत आराम से करना है, किसी भी आसन को मजाक में, हंसी मजाक में नहीं लेना है। आराम आराम में जो है आपको ये आसनास करने हैं, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कुछ डिफिकल्टी आती है कोई भी आसन में, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा आसन इसके बाद का जो है वो है वज्रासन। तो वज्रासन हम पहले वाले वीडियो में किए थे जिसमें हमने बालासन किया था। अब वज्रासन के लिए मैं पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ पहले, ठीक है। वज्रासन सबको पता है, लेकिन कुछ अलाइनमेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे लेग्स को पूरा सीधा किया, एक लेग को फोल्ड किया, हील को जो है थाई के साइड में रखा, टोज को पीछे की तरफ, टोज को टक्कर के इस तरीके से नहीं रखना है, ये इस तरीके से। देन दूसरा ये इस तरीके से ये रखा। अब यहाँ पे जो है आपको सीधा पीठ को सीधा रखना है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। दूसरा, जब भी आप इस तरीके से रखोगे, पैरों को ध्यान रखिए, जो पैरों आपके हील जो है साथ में नहीं रहने चाहिए। जब आप नीचे जाओगे तो आपके हील्स जो है इस तरीके से वाइड, ये तो इस तरीके से जो है आपके हील जो है दूर होने चाहिए, ताकि आपके पैरों का, ये पंजों का जो है शेप जो है यू आकार का होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इस तरीके से आराम से बैठ सकते हैं। दूसरी गलती, यहाँ पे टोज को इस तरीके से नहीं करना है, ये वाला यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक, लेकिन तीसरा कि अगर मानो हम वज्रासन में जाते हैं और वज्रासन में जाने के बाद अगर आपको एंकल पेन होना स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे मानो मैं वज्रासन में हूँ और मेरा पूरा बॉडी वेट अभी एंकल पे है, पैर पे है, अब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ज़्यादा बियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी बाकी लोग कर रहे हैं, क्लास में अगर मैं देखूँ तो बाकी लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना है, भले ही मुझे पेन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मानो आपको पेन हो रहा है तो आपको ये जल्दी आसन छोड़ना है, कोई भी आसन हो जल्दी छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर मानो ये आपको आसन करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी मैट को जो है फोल्ड करके, रोल करके जो है आप यहाँ पे रख सकते हो, आपके एंकल के नीचे जो है आप रोल करके इसको रख सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा इसके बजाय, आप एक तो तकिया लीजिए, दूसरा एक तो आप जो है
मैं नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो बनाऊंगा तो तकिया लेके आऊंगा, एक टॉवल लेके आऊंगा, तो टॉवल के साथ कैसे करना है, तकिए के साथ कैसे करना है, मैं आपके पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखा दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए कब ये वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है प्रॉप्स यूज करना चाहिए और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वज्रासन हम कर सकते हैं और वज्रासन के वेरिएशन जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा, अब नेक्स्ट आसन हम देखेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं कैट एंड काउ, मार्जरी आसन, बिटिल आसन। तो मार्जरी आसन और बिटिल आसन करते समय क्या करना होगा, किस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा अलाइनमेंट का, वो भी हम देखने वाले हैं। तो कैट एंड काउ पोज के लिए जो है आपको सबसे पहले टेबल टॉप पोज में आना है। टेबल टॉप पोज में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके नीज जो है डिप, यहां पे देखिए ये, तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए ना ही ज्यादा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा वाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आने के बाद जो है आपको ब्रीदिंग पे भी ध्यान देना होगा। यहां आने के बाद देखिए, यहां आने के बाद जो है आपको धीरे से सांस लेनी है, बैक में आर्च करना है और ऊपर देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए अब मिडल बैक अपर बैक को स्ट्रेच करते हुए नीचे देखना है, अगर कंफर्टेबल है तो नेवल के तक या फिर नीज, सांस भरनी है, सांस छोड़नी है, रिलीज रिलैक्स। अब दूसरा ये क्या कर सकते हो, अभी मैंने डायनामिक किया, अभी आप होल्ड के साथ भी कर सकते हो। जैसे मानो मैंने ये वाला पोज किया, ऊपर देखा और होल्ड किया 5 काउंट के लिए, फिर दूसरा 5 काउंट के लिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर मानो आपको नेक पेन है तो ऊपर ज्यादा इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो नेक पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको सामने की तरफ देखना है, आर्च करना है और सामने की तरफ रिलीज एंड रिलैक्स। तो इस प्रकार से जो है आप ये वाला आसन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें चौथा आसन होगा, नेक्स्ट आसन रहेगा, वो है विपरीत करनी। अब विपरीत करनी कैसे करना है, दो तरीके से मैं बताऊंगा, विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो पहले कौन सा चाहिए, अच्छा विदाउट सपोर्ट, चलो ठीक है। तो विदाउट सपोर्ट जो है हम देखने वाले हैं, तो विदाउट सपोर्ट में करना क्या है आपको देखिए, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लेट जाना है। अब यहाँ पे लेट जाने के बाद ध्यान रखिए दोस्तों, लेट जाने के बाद जो है आपको विपरीत करने के लिए धीरे से लेग्स को लिफ्ट करना है। अब लेग्स को लिफ्ट करने के बाद आपको करना क्या है, हिप्स को लिफ्ट करना है। हिप्स को लिफ्ट करने के बाद जो है आपके लोअर बैक पे इस तरीके से पैर आपको इस तरीके से करना है, फिर यहाँ पे जो बोन होता है यहाँ पे, ठीक है, मेरे अंगूठे के नीचे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हाथ को रखना है। अब धीरे धीरे से लेग्स को ऊपर लेके आना है, ये यहां पे होल्ड करना, देन रिलीज, देन रिलैक्स। तो इस प्रकार से जो है विपरीत करनी जो है आप कर सकते हो। इसमें भी एडवांस वर्जन होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप एडवांस कर सकते हो। तो मैंने बोला था दो वेरिएशन दिखाऊंगा, तो ये पहला हुआ। अब दूसरा जो वेरिएशन है वो बहुत सिंपल है, आपको बस करना क्या है, दीवार की तरफ जाना है, आपके घर की जो दीवार है वो वहां पे जाना है, फिर ये इस तरीके से जो है बैठ के आपको मैट पे लेट जाना है। अब मैट पे लेट जाने के बाद जो है आपको बस पैर को ऊपर करना है और आपके हिप्स जो है दीवार को टच होने चाहिए, ये इस तरीके से, और आप यहाँ पे आसन ये कर सकते हो। तो आराम से यहाँ पे आप जितना समय आप कंफर्टेबली रह सकते हो वहां पे रहे, देन रिलीज एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विपरीत करनी दो तरीके से आप कर सकते हो, आराम आराम से भी कर सकते हो। और जो विथ सपोर्ट है यानी कि वॉल के साथ जो करने वाला है वो आप पहले स्टार्ट कर दीजिए और फिर धीरे धीरे करके जो है हम जो है आसनास देखेंगे एडवांस वाले, ठीक है। तो विपरीत करनी का भी एडवांस और भी है तो हम वो भी देखने वाले हैं। ओके, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हर वीडियो में जो है हम आखिरी में शवासन करेंगे, रिलैक्स पोज करेंगे जो कि शवासन है। तो चलिए दोस्तों
ये सब प्रैक्टिस होने के बाद आपको शवासन करना है। शवासन के लिए आपको लेट जाना है। शवासन में लेट जाने के लिए जैसे हमने पहले वीडियो में देखा है, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि बिगिनर्स के लिए है तो आप जाके जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा। लेग्स को स्प्रेड किया, हाथों को स्प्रेड किया, हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ एंड देन पूरी बॉडी रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद राइट साइड टर्न होना है, आपके लेफ्ट हाथ के साथ सपोर्ट लेते हुए ऊपर आना है एंड देन रिलैक्स करना है। तो आज के जो वीडियोस थे, आज के जो आसनास थे वो पूरा आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए डेडिकेटेड थे। तो पूरा जो भी आसनास है वो पूरा जो है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके तनाव को कम करने के लिए है। तो ये सब आपको जो है रेगुलर आपके रूटीन में जो है फिटनेस रूटीन में या फिर डेली रूटीन जो आपका योग का होता है या फिर फिटनेस का कोई भी जिम करते हो उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आज का ये वीडियो था, आज के आसनास थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सब आसनास में आपको सबसे आसान आसन कौन सा लगा, आपकी कमेंट जो है ज़रूर कीजिए। और हम दूसरा ये है कि आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।